हरिद्वार पतंजलि रिसर्च सेंटर नु मोदलु पेट्टारु प्रधानमंत्री मोदी अक्कड एर्पाटु चेसिन मीटिंग्लो मात्लाडुतारु लाइव लो चूद्दाम रामदेव जी पतंजलि योगपीठ के महासचिव श्रीमान आचार्य जी पतंजलि योगपीठ के आचार्य प्रद्युम्न जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, आज ये मेरा सौभाग्य था कि केदारनाथ जाकर के बाबा के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और वहां से आप सबके बीच आने का और आप सबके आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला। मुझे पता नहीं था, बाबा ने सरप्राइज दे दिया। बड़ी भावुकता के साथ मुझे विशेष सम्मान से आभूषित किया, अलंकृत किया। मैं स्वामी जी का, इस पतंजलि पूरे परिवार का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जिन लोगों के बीच में मेरा लालन पालन हुआ है, जिन लोगों ने मुझे संस्कारित किया है, मुझे शिक्षा दीक्षा दी है, उससे मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि जब आपको सम्मान मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे ये प्रकार की अपेक्षाएं हैं। जरा भी आगे पीछे मत हो, इसको पूरा करो। तो एक प्रकार से मेरे सामने मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसका एक डूज एंड डोंट का बड़ा दस्तावेज उस गुरुजी ने रख दिया है। लेकिन सम्मान के साथ साथ आप सबके आशीर्वाद, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की ताकत पर मेरा पूरा भरोसा है। मैं जिंदगी गुजारती रही, मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि अब भुलाने का वक्त नहीं है, जो श्रेष्ठ है उसका गौरव करने का वक्त है। और यही वक्त है जो विश्व में भारत की आन बान शान का परिचय करवाए। लेकिन हम इस बात को न भूले कि भारत दुनिया में इस ऊंचाई पर कैसे था। वह इसलिए था कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने लगातार इनोवेशन में अपनी जिंदगी खपाई थी। नई नई खोज करना, नई नई चीजों को प्राप्त करना और मानव जाति के कल्याण के लिए उसको प्रस्तुत करना, समयानुकूल ढालते रहना। जब से
इनोवेशन की, रिसर्च की उदासीनता हमारे भीतर घर कर गई, हम दुनिया के सामने प्रभाव पैदा करने में असमर्थ होने लगे। कई वर्षों के बाद जब आईटी रिवॉल्यूशन आया, जब हमारे देश के 18, 20, 22 साल की उम्र के बच्चे माउस के साथ खेलते खेलते दुनिया को अचरज करने लगे, तब फिर से दुनिया का ध्यान हमारी तरफ गया। आईटी ने दुनिया को प्रभावित किया, हमारे देश के 18, 20 साल की उम्र के नौजवानों ने विश्व को प्रभावित कर दिया। रिसर्च, इनोवेशन, इसकी क्या ताकत होती है, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। आज पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर, इसके विषय में बड़ा संवेदनशील है, सजग है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। भारत के ऋषि मुनियों की महान परंपरा योग, उस पर विश्व का आकर्षण पैदा हुआ है। वे शांति की तलाश में है, वो बाहर की दुनिया से तंग आगे के भीतर की दुनिया को जानना परखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि आधुनिक स्वरूप में रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ योग एक कैसा विज्ञान है, तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए, आत्मा की चेतना के लिए यह शास्त्र कितना सहज उपलब्ध हो सकता है। मैं बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं, उन्होंने योग एक आंदोलन बना दिया। सामान्य मानवी में विश्वास पैदा कर दिया कि योग के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में किचन के बगल में बैठ करके भी योग कर सकते हो, फुटपाथ पर भी कर सकते हो, मैदान में भी कर सकते हो, बगीचे में भी कर सकते हो, मंदिर के परिसर में भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव आया और आज उसका परिणाम है कि 21 जून को जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, दुनिया के हर देश में योग का उत्सव मनाया जाता है, अधिकतम लोग उसमें जुड़े, उसके लिए प्रयास होता है। मुझे विश्व के जितने लोगों से मिलना होता है, मेरा अनुभव है कि देश की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात अवश्य करते हैं, मेरे साथ योग के संबंध में तो एक दो सवाल जरूर पूछते हैं। ये जिज्ञासा पैदा हुई है। हमारे आयुर्वेद की ताकत, थोड़ा बहुत तो हमने ही उसको नुकसान पहुंचा दिया। आधुनिक विज्ञान का जो मेडिकल साइंस है, उनको लगा कि आपकी सारी बातें कोई शास्त्र आधारित नहीं है। आयुर्वेद वालों को लगा कि आपकी दवाइयों में दम नहीं है, आप लोगों को ठीक कर देते हो लेकिन ठीक होते नहीं है। तुम बड़े कि हम बड़े, इसी लड़ाई में सारा समय बीतता गया। अच्छा होता कि हमारी सभी ज्ञान, आधुनिक से आधुनिक ज्ञान भी, उसको भी हमारी इन परंपराओं के साथ जोड़ करके हमने आगे बढ़ाया होता तो शायद मानवता की बहुत बड़ी सेवा हुई होती। मुझे खुशी है कि पतंजलि योग विद्यापीठ के माध्यम से बाबा रामदेव जी ने जो अभियान चलाया, आंदोलन चलाया है, उसमें आयुर्वेद का महिमा मंडन
वहां अपने आप को सीमित नहीं रखा। दुनिया जो भाषा में समझती है, रिसर्च के जिन आधारों पर समझती है, मेडिकल साइंस में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के तहत समझती है, बाबा रामदेव ने बीड़ा उठाया है, उसी भाषा में भारत के आयुर्वेद को वो लेकर के आएंगे और दुनिया को प्रेरित करेंगे। एक प्रकार से ये हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। हजारों साल से हमारे ऋषियों मुनियों ने जो तपस्या की है, जो प्राप्त किया है, वो दुनिया को बांटने के लिए निकले हैं, वैज्ञानिक अधिष्ठान पर निकले हुए हैं। और मुझे विश्वास है, और आज मैंने जो रिसर्च सेंटर देखा, कोई भी आधुनिक रिसर्च सेंटर देखिए, बिल्कुल उसकी बराबरी में खड़ा हुआ है मां गंगा के किनारे पर ये काम। और इसलिए मैं बाबा को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार, जब अटल जी की सरकार थी देश में, तब हमारे देश में एक हेल्थ पॉलिसी आई थी। इतने सालों के बाद जब हमारी सरकार बनी, तो फिर से हम देश के लिए एक हेल्थ पॉलिसी लेकर के आए हैं, होलिस्टिक हेल्थ केयर का व्यू लेकर के आए हैं। और अब दुनिया सिर्फ हेल्दी रहना चाहती है, ऐसा नहीं है, बीमारी न हो वहां तक अटकना नहीं चाहती है। अब लोगों को वेलनेस चाहिए, और इसलिए सॉल्यूशन भी होलिस्टिक देने पड़ेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देना पड़ेगा, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का उत्तम से उत्तम रास्ता जो है, और सस्ते से सस्ता रास्ता है, वो है स्वच्छता। और स्वच्छता में कौन क्या करता है वो बात में छोड़े, हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा। कोई बड़ा संकल्प लेने की जरूरत नहीं, इसमें जेल जाने की जरूरत नहीं है, फांसी पर लटकने की जरूरत नहीं है, देश के लिए सीमा पर जाकर के जवानों की तरह मरने मिटने की जरूरत नहीं है। छोटा सा काम, मैं गंदगी नहीं करूंगा। आपको कल्पना है, एक डॉक्टर जितनी जिंदगी बचा लेता है, उससे ज्यादा बच्चों की जिंदगी आप गंदगी न करके बचा सकते हैं। आप एक गरीब को दान पुण्य देकर के जितना पुण्य कमाते हो, गंदगी न करके एक गरीब जब स्वस्थ रहता है, तो आपका दान रुपयों में देते हैं उससे भी ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। और मुझे खुशी है कि देश की जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बालक, हर घर में वो झगड़ा करते हैं। अगर परिवार के वृद्ध व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने कोई एक अगर छोटी सी चीज फेंक दी, कार में जा रहे हैं अगर पानी का बोतल बाहर फेंक दिया, तो बेटा कार रुकवाता है, छोटा पोता 5 साल का कार रुकवाता है, ठहरो, मोदी दादा ने मना किया है, ये बोतल वापस ले आओ, ये माहौल बन रहा है जी। छोटे छोटे बालक भी मेरे स्वच्छता आंदोलन के सिपाही बन गए हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इसको हम जितना बल देंगे, हम हमारे देश के गरीबों की सबसे ज्यादा सेवा करेंगे। गंदगी कोई नहीं करता है, गंदगी हम करते हैं, और हम ही फिर गंदगी पर भाषण देते हैं। अगर एक बार हम देशवासी गंदगी न करने का फैसला कर ले, इस देश से बीमारी को निकालने में, तंदुरुस्ती को लाने के लिए हमें कोई सफलता पाने में रुकावटें नहीं आएगी। हमारी उदासीनता इतनी है,
कि हम इतना बड़ा हिमालय, हिमालय की जड़ी बूटी, भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की घटना से परिचित, हनुमान जी जड़ी बूटी के लिए क्या क्या अनेक करते थे वो सारी बातें परिचित, और हम इतने सहज हो गए थे कि दुनिया के देश जिनको जड़ी बूटी क्या होती है मालूम नहीं था, लेकिन जब उनको पता कि इसका बड़ा कॉमर्शियल वैल्यू है, दुनिया के और देशों ने पेटेंट करवा दिया, हल्दी का पेमेंट भी कोई और देश करवा देता है, इमली का पेटेंट भी कोई और देश करवा देता है। हमारी ये उदासीनता, अपनी शक्ति को भुला देने की आदत है, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है। आज विश्व में हर्बल मेडिसिन, उसका एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन जितनी मात्रा में दुनिया में इस हर्बल मेडिसिन को पहुंचाने में भारत ने जो ताकत दिखानी चाहिए, अभी बहुत कुछ करने की बाकी है। इस पतंजलि संस्थान के द्वारा ये जो रिसर्च और इनोवेशन हो रहे हैं, ये दुनिया के लोगों को होलिस्टिक और वेलनेस के लिए जो इंटरेस्ट है, उनको ये दवाइयां आने वाले दिनों में काम आएगी। हमारे देश में बहुत वर्षों पहले भारत सरकार ने आयुर्वेद का प्रचार कैसे हो, उसके लिए एक हाथी कमीशन बिठाया था, जयसुखलाल हाथी करके उनका एक कमीशन बिठाया था। उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस रिपोर्ट के प्रारंभ में लिखा है कि हमारे आयुर्वेद इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि उसकी जो पद्धति है वो आज के युग के अनुकूल नहीं है। वो इतनी सारी थैला भर जड़ी बूटी देंगे और फिर कहेंगे इसको उबालना, इतने पानी में उबालना, फिर इतना रस रहेगा, एक चम्मच में लेना, फिर इसमें फलाना जोड़ना, डिकना जोड़ना और फिर लेना, तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको लगता है भाई ये कौन कूड़ा कचरा करेगा, उसके बजाय चलो भाई मेडिसिन ले ले, दवाई की गोली खा ले, अपनी गाड़ी चल जाएगी। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहली आवश्यकता है, बहुत साल पहले का रिपोर्ट है ये, सबसे पहली आवश्यकता है आयुर्वेदिक दवाओं का पैकेजिंग। अगर उसका पैकेजिंग मॉडर्न दवाइयों की तरह कर देंगे तो लोग ये होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मोड़ जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि हमें वो उबालने वाली जड़ी बूटियां कहीं लेने के लिए जानी नहीं पड़ती है, हर चीज रेडीमेड मिलती है। मैं समझता हूं कि आचार्य जी ने अपने आप को इसमें खपाया हुआ है, और आज जिस किताब का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला, मुझे विश्वास है कि दुनिया का इस किताब पर ध्यान जाएगा, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों का ध्यान जाएगा। प्रकृति दत्त व्यवस्था कितनी सामर्थ्यवान है, उस सामर्थ्य को अगर हम समझते हैं तो जीवन कितना उज्जवल हो सकता है, ये अगर व्यक्ति को एक खिड़की खोल करके दे देता है, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा अवसर दे देता है। मुझे विश्वास है कि बालकृष्ण जी की यह साधना, बाबा रामदेव का मिशन मोड में यह समर्पित काम, और भारत की महान उज्जवल परंपरा, उसको आधुनिक रूप रंग के साथ, वैज्ञानिक अधिष्ठान के साथ आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, वो भारत के लिए विश्व में अपनी एक जगह बनाने का आधार बन सकता है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो योग से जुड़ा है, आयुर्वेद से भी जुड़ना चाहता है, हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला, विशेष रूप से मुझे सम्मानित किया, मैं सर झुका करके बाबा को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सभी की ओर से, और क्योंकि आपके लिए सामने बहुत बड़े उत्तरदायित्व हैं राष्ट्र के, हम पुनः ये पहला अवसर है हिंदुस्तान में
एक योगी प्रधानमंत्री है और एक योगी प्रधानमंत्री ने अब मुख्यमंत्री भी योगी बनाने शुरू कर दिए। बहुत बहुत अभिनंदन है। అంతకుముందు కేదార్నాథ్ ఆలయానికి పోయిన ప్రధాని ప్రత్యేక పూజలు చేసిండ్రు, ఆడనే ధ్యానం చేసిండ్రు. ప్రధాని అచ్చుడుతోని సెక్యూరిటీని వెంచిండ్రు. గుడిలో పూజలు చేసినాక బయటకొచ్చిన మోడీ జనంతోని కూడా మాట్లాడిండ్రు.